नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे जो आपके रसोई में ही है, जो बहुत आसानी से मिलती है और इसका नाम है हींग। अब देखिए, आप भी इसे इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय अगर आपको इसकी पूरी जानकारी हो, यानी इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म क्या है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, इसके अलग अलग बीमारियों पर क्या असर है, अगर ये पूरी जानकारी आपको है तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से खुद का बचाव कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को पाचन से संबंधित कोई तकलीफ़ है, यानी पेट में जैसे कि हमेशा ब्लोटिंग लगती है या फिर भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं पचता, या फिर बाकी भी कोई समस्या, जैसे किसी को कोई मनोविकार है या फिर पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, या फिर किसी को कृमि की तकलीफ़ है यानी पेट के कीड़े अगर है, तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आयुर्वेद की सही जानकारी आपको मिलती रहे। हींग को संस्कृत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका सबसे पहला नाम है, वो है हींगू। इसकी जो तीक्ष्ण गंध है उसके कारण ये नाम दिया हुआ है। अगर आपके आसपास भी कहीं हींग रखा हुआ है तो भी उसकी स्मेल से आपको तुरंत ये पता चल जाता है। दूसरा जो इसका नाम है वो है सहस्रवेधी। सहस्र यानी हजारों कर्म करने वाला है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसे सहस्रवेधी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बाल्लिक या रामट, यानी जिस देश में ये मिलता है उसके अनुसार भी ये नाम दिए हुए हैं। अलग अलग भाषाओं में भी इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। इसका जो लैटिन नेम है वो है फेरुला नार्डेक्स। हींग एक तरह का निर्यास यानी गोंद है। इसमें भी जो हीरा हींग है वो उत्तम माना जाता है, लेकिन आजकल हींग में काफ़ी सारी अलग अलग मिलावट की जाती है। तो इस तरह से जिसमें मिलावट युक्त ये जो हींग है, ये अगर हम पानी में घोलते हैं तो उसमें जो मिलावट है वो नीचे बैठ जाती है, वो पूरी तरह से पानी में नहीं घुलती। इसके अलावा इस तरह मिलावट वाला हींग है, अगर उसको हम जलाने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं जलता। इसका जो गंध है या इसका जो स्वाद है वो भी अलग रहता है। आयुर्वेद में हींग का शुद्धिकरण यानी इसका शोधन भी बताया हुआ है। तो इसमें दो विधि है। सबसे पहली है अभर्जित। अभर्जित में हींग को उससे 8 गुने पानी में उसको मिला के फिर उसको छान के उस पानी को लोहे की कढ़ाई में गरम किया जाता है। धीमी आंच पर इसको रखना है और जब तक ये पूरा पानी उसमें से नहीं निकल जाए, उससे हींग ना बचे, तब तक ये प्रोसेस की जाती है। तो इस तरह हींग का शुद्धिकरण किया जाता है। जो भर्जित विधि है उसमें हींग को गाय के घी के साथ भुना जाता है और इसको पूरा, वो जब तक घी उसी में ना चला जाए या वो पूरी तरह से सूखा ना रह जाए, तब तक इस विधि को किया जाता है। भावप्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में हींग के बारे में हमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक मिलता है। तो इसमें कहा गया है, हींगु उष्णम पाचनम रुचम तीक्ष्णम वात बलासनुत शूल गुल्म उदर आनाह क्रोमिघ्नम पित्तवर्धनम स्त्री पुष्प जननम बल्यम मूर्छापस्मार रुतपरम। आयुर्वेद में जो हींग का रस बताया है तो वो कटु रस है, यानी इसका तीखा स्वाद है। इसके जो गुण बताए हैं तो उसमें लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण गुण बताया है। लघु यानी ये पचने के लिए हल्का है, स्निग्ध यानी शरीर में हल्का सा स्निग्धता ये उत्पन्न करता है, और इसमें तीक्ष्णता है। इसका जो वीर्य यानी इसकी जो तासीर बताई है वो है उष्ण वीर्य, यानी ये गर्म स्वभाव की औषधि है। इसका ये जो तीखा स्वाद है या फिर इसमें हल्कापन है, तीक्ष्णता है, और इसका जो गर्म इसकी जो तासीर है या उसका उष्ण वीर्य है, इन सब के कारण ये शरीर में बढ़ा हुआ कफ जो है, कफ दोष, उसको ये काम करता है। और स्निग्धता और उष्ण वीर्य के कारण ये वात का भी शमन करता है। इस तरह से कफ की बीमारियों में और वात की बीमारियों में ये बहुत अच्छी औषधि है। इसे जैसे कि हमने देखा कि भावप्रकाश निघंटु में इसे वात बलासनुत कहा गया है। वात और बलास यानी कफ, तो वात और कफ को कम करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है।
लेकिन ये शरीर में पित्त को बढ़ाता है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनको शरीर में पित्त बढ़ने के कारण कोई तकलीफ होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या रिफ्लक्स है, तो इस तरह के विकारों में अपने हींग को बहुत सावधानी के साथ लेना है या तो फिर नहीं लेना है। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग बीमारियों में हींग का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं या फिर इसे लेने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले पाचन संस्था यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका क्या असर है, तो ये देखते हैं। अब ये जो हींग है ये अग्नि दीपन करने वाला है, यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको ये बढ़ाने वाला है। शरीर में जो पाचक पित्त है उसको ये बढ़ाने वाला है। इसके अलावा इसे शूल प्रशमन करने वाला, यानी अगर कहीं पे दर्द है तो उस दर्द को ये कम करने वाला है। शरीर में समान और अपान वायु का अनुलोमन करने वाला है, यानी वायु को उसकी सही दिशा में लेके जाने वाला है। तो इस तरह से काफ़ी सारी अलग अलग बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता या फिर खाना ठीक से नहीं पचता, ब्लोटिंग रहता है या फिर पेट में फुलापन रहता है, बहुत हेवीनेस रहती है, तो वो सभी लोग हींग का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको कृमि की तकलीफ है वो लोग भी इसे ज़रूर ले सकते हैं। इसे कृमिघ्न कहा गया है, यहाँ तक कि कृमि की अवस्था में हींगू जल का बस्ती लेने के लिए कहा है, यानी हींग को पानी के साथ घोल के उसकी बस्ती यानी उसे मलद्वार के द्वारा शरीर में डाला जाता है। लेकिन इसे आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह जिनको पेट ठीक से साफ नहीं होता या फिर कृमि है या पाचन से संबंधित कोई तकलीफ है, वो सभी लोग हींग का सेवन कर सकते हैं। पेट के विकारों में कभी भी कच्चा हींग नहीं लेना है, इसको हमेशा घृतभृष्ट करके लेने के लिए बताया है। घृतभृष्ट यानी हींग को घी में भून के फिर उसे लेना है। जैसे हम ट्रेडिशनली जो हम सब्जियां बनाते हैं या दाल बनाते हैं, तो हींग को घी में डाल के यानी तड़का जब आप देते हैं, छोका लगाते हैं, तो उसमें ही ये हींग डाला जाता है। तो इस तरह से हम यानी हमें पता भी नहीं है लेकिन फिर भी हम आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो कच्चा हींग अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें तीक्ष्णता है, तो वो तीक्ष्णता हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसे भून के लेना है। और इसकी जो मात्रा बताई है वो है 125 मिलीग्राम से लेके 250 मिलीग्राम, यानी जो घृतभृष्ट हींग है उसकी ये मात्रा दी हुई है। छोटे बच्चों में अगर पेट में फुलापन है या उनको दर्द होता है तो वहाँ पे हींग का लेप भी करते हैं, और ये भी मेथड जो है वो ट्रेडिशनली हम फॉलो करते हैं। नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों के लिए भी हींग एक बहुत अच्छी औषधि है। जैसे हमने देखा कि ये वात को कम करने वाली है, वायु का अनुलोमन यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने वाली है, ये दर्द कम करने वाली है, और ये वात नाड़ी संस्थान के लिए बल्य कही गई है, यानी नर्वस सिस्टम को बल देने वाली है। तो अगर किसी को मन्यास्तंभ यानी गर्दन में बहुत ज़्यादा जकड़न जैसे लग रहा है या फिर गुरुद्रसी व्याधि यानी साइटिका का जैसे दर्द है, यानी कमर से लेके पैरों के तलवों तक उनको दर्द होता है, तो उनके लिए भी हींग एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा जिनको अर्दित यानी जो बेल्स पालसी या फेशियल पालसी है या फिर पक्षाघात यानी जो पैरालिसिस की किसी को तकलीफ है, तो इन सभी तकलीफों में हींग एक बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि कुछ मानसिक विकार जैसे आयुर्वेद में उन्माद, अपस्मार या फिर स्मृति भ्रंश, इस तरह के जो भी मानसिक विकार बताए हुए हैं, तो उनमें भी हींग एक बहुत अच्छी औषधि है। तो मानसिक विकारों में जो शुद्ध हींग है उसको शहद के साथ चटाया जाता है या फिर काफ़ी अलग अलग औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। हींग उसका गर्म स्वभाव और उसकी तीक्ष्णता के कारण शरीर में कफ को काम करती है, और इसे कफ विलयन करने वाली यानी कफ को पतला करने वाली और कफ निस्सारक यानी कफ को शरीर से बाहर निकालने वाली कहा गया है। इसके अलावा ये जो हींग है ये शरीर में प्राण और उदान वायु का अनुलोमन करती है। तो इस तरह से जिनको भी बहुत दिनों से खांसी है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। स्पेशली कफ और वात से संबंधित ये जो विकार है उनमें ये मदद करती है। छोटे बच्चों में भी आप इसे दे सकते हैं। बच्चों के लिए गर्म पानी में हींग को घोल के उसका लेप भी सीने पे लगा सकते हैं। जनरली बड़ों में भी जब हम आभ्यंतर प्रयोग इसका करते हैं यानी हींग को आप
पेट में देते हैं तो कच्ची हींग का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हींग की तीक्ष्णता है या उसका छेदन करने वाला स्वभाव है, ये शरीर में कफ को कम करने के लिए मदद करेगा। हींग शरीर में प्राण वायु को सही दिशा में लेके जाता है, इसके साथ ही ये कफ को भी कम करता है। तो जिनको वात और कफ के कारण हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे उनको वहाँ पे दर्द है या फिर हृदय की बीमारी के कारण उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस अवस्था में हींग एक बहुत अच्छी औषधि है। वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए ये मदद करती है। इसके अलावा वात और कफ से संबंधित जो त्वचा विकार है यानी जो स्किन डिसीजेस है, इसके लिए भी हींग एक अच्छी औषधि है। तो इन अवस्थाओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद गर्भाशय की सफाई होने के लिए, वहाँ के जो भी स्राव है उनको अच्छे से बाहर निकालने के लिए भी हींग एक बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि कष्टार्तव में यानी जिनको पीरियड के दिनों में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर स्राव ठीक से नहीं होता, वो भी इसे ले सकते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस में ये जो हींग है इसे उत्तेजक कहा गया है, तो उस अवस्था में भी हींग का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में कर्ण रोगों में भी हींग का प्रयोग बताया हुआ है। कर्ण रोग यानी कानों से संबंधित जो विकार है, जैसे कि कान में दर्द है या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें आप हींग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, उसमें रप्चर नहीं हुआ है, उसी अवस्था में इस तेल का इस्तेमाल करना है। अब ये तेल बनाना कैसे है, तो हींग है, लहसुन, सैंधव, इन सभी को तिल तेल में इसको गरम करके फिर उसे छान के वो तेल 3 से 4 बूंद की मात्रा में कानों में डालना है। तो इससे जो कानों का दर्द है या फिर अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छी यानी मदद मिलेगी। हींग को मूत्रल या मूत्र जनन करने वाला बताया गया है, यानी ये यूरिन को अच्छी तरह से शरीर के बाहर निकालने के लिए मदद करता है। इसके अलावा ये शूल प्रशमन करने वाला या वेदना स्थापक है, यानी दर्द को कम करता है। तो जिनको भी यूरिन से संबंधित तकलीफ है, जिनको यूरिन क्लियर नहीं होता या करते समय दर्द रहता है, वो लोग भी हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग के बहुत सारे अलग अलग कल्प भी आते हैं, जैसे कि हींगवाष्टक चूर्ण है या हींग कर्पूरवटी है। हींगवाष्टक चूर्ण के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप आपके घर में इसे कैसे बना सकते हैं, इसके फायदे आपको क्या क्या मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में आपको दी हुई है। तो आप भी इसे बना के ज़रूर देखिए, ये बहुत टेस्टी रहता है और पाचन से संबंधित काफ़ी सारे अलग अलग बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।